काफी बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया होगा। इस वीडियो में मैं आप सभी से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जो कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद बच्चों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर करे कि मैम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है, ड्रेस कोड क्या होगा, कौन से आइटम्स परमिटेड है नीट के एग्जाम सेंटर में, कौन सी चीजें नहीं लेकर जानी है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपके मन में कुछ भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, पहली चीज तो ये कि जो आपका नीट 2020 का एडमिट कार्ड है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। ठीक है, तो मेक श्योर कि जब आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो आपके 3 पेजेस आप प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि जब आप एडमिट कार्ड देखते हैं तो उसमें सेव एज पीडीएफ का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि आपके फोन में क्यों पीडीएफ की तरह आपका एडमिट कार्ड सेव नहीं हो पा रहा है। अगर आपको एज पीडीएफ अपने एडमिट कार्ड को सेव करना है तो काफी सारी एप्लीकेशंस होती हैं, काफी सारी एप्स होती हैं जो कि वेब पेज को डायरेक्टली एज पीडीएफ सेव करती है। आप उसे डाउनलोड कर दीजिए या फिर आप फॉर टाइम बीइंग आप क्या करिए, अपने एडमिट कार्ड का अपने फोन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जब आपको प्रिंट आउट कराना होगा अपने एडमिट कार्ड का साइबर कैफे जाकर डायरेक्ट प्रिंट आउट करा दीजिएगा या फिर आपके घर में अगर प्रिंटर है तो डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल दीजिए। ठीक है, और एक और चीज होती है कि बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है कि मैम प्रिंट आउट कलर निकाले या ब्लैक एंड व्हाइट निकाले। अगर कलर निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपके घर के आसपास ऐसी शॉप्स हैं जहां पर कलर्ड प्रिंटर्स नहीं है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकल सकता है तो भी कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको कलर्ड प्रिंट आउट ही निकालना है तभी आपको एग्जाम में एंट्री मिलेगी। ठीक है, अब पहले पेज पर आते हैं जो है आपका पेज नंबर 1 ऑफ योर नीट एडमिट कार्ड। तो आपका जो पहला पेज है आपके एनटीए नीट एडमिट कार्ड का उसमें शुरुआत में आपकी पर्सनल डिटेल्स है। उसके बाद अगर हम सेकेंड हाफ में आते हैं, फ्रंट पेज के सेकेंड हाफ पे आते हैं, तो यहाँ पर है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन या फिर अंडरटेकिंग फॉर्म। ये फॉर्म किस लिए है, ताकि आपकी हेल्थ को भी प्रायोरिटी दी जाए। अगर कोई बच्चा है जो कि फीवर कफ इन सब के सिम्टम्स से गुजर रहा है तो उसके बारे में एग्जाम सेंटर में जितने भी इन्विजिलेटर्स होंगे उनको पता चल सके। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप सितंबर 11 या फिर 12 को फिल करें, ताकि तब तक अगर आपकी हेल्थ अच्छी है या फिर आपकी हेल्थ में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को फिल कर सकें। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में बस यही चीजें मेंशन करी हुई हैं कि अगर आपको कफ है, फीवर है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, सोर थ्रोट हो रहा है, आपका बॉडी एक है, रनिंग नोज है, इनमें से जो भी सिम्टम्स आपकी बॉडी शो करेगी 12 सितंबर को उस पर टिक कर दीजिएगा। अच्छा, काफी बच्चे ये भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे मेरी पिछली वीडियो में कि मैम अगर ऐसा हुआ कि 11 सितंबर को मुझे कोल्ड हुआ, और कोल्ड तो नॉर्मल कोल्ड भी हो सकता है क्योंकि मॉनसून चल रहा है, तो क्या फिर मुझे एंट्री नहीं मिलेगी एग्जाम सेंटर में? ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपको नॉर्मल कोल्ड भी रहता है 13 सितंबर एग्जाम डे के दिन, तो बस ये एक तरीके से प्रिकॉशन का काम करेगा कि आप अगर कुछ भी कोल्ड फीवर वाले सिम्टम से गुजर रहे हैं तो आपको सेपरेट रूम में बैठाया जाएगा ताकि और सारे बच्चों के हेल्थ पर असर ना पड़े। आप खुद सोचिए, अगर आपको नॉर्मल कोल्ड है, कॉमन कोल्ड है, कोई कोविड 19 के सिम्टम्स नहीं है, ये मॉनसून वाला कॉमन कोल्ड है, लेकिन आप अपने एग्जाम सेंटर में अपने जो आपकी क्लासरूम होगी जहां पर आपका एग्जाम हो रहा होगा वहां पर आप छींक गए या फिर खांस गए, तो सोचो आसपास बैठे सारे बच्चों को पूरा पेपर देते हुए टेंशन हो जाएगी कि कहीं इस बच्चे को कोविड 19 तो नहीं। तो इसीलिए बस इन सिम्टम्स की वजह से आप सभी को एक सेपरेट रूम दिया जाएगा, और ये कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी के लिए भी सही है कि अगर आपको कुछ सिम्टम्स हैं यानी कि आपकी इम्यूनिटी उस टाइम वीक होगी तो अच्छा है कि आप सारे बच्चों से दूर रहें और एक सेपरेट रूम में अपना एग्जाम दें। ठीक है, तो 13 सितंबर को अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स शो होते हैं तो आप कोई एक चीज मार्क कर लीजिए। अच्छा, ये सेल्फ डिक्लेरेशन या फिर अंडरटेकिंग का जो ये फॉर्म है ये आपको एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले फिल करना है, तो घर पर ही 13 सितंबर से एक या दो दिन पहले इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। और मैं सजेस्ट करूंगी कि इसको जेल पेन से नहीं बल्कि बॉल पेन से फिल करिएगा, क्योंकि जेल पेन से क्या होता है, थोड़ा पानी की बूंद भी गिर गई तो पूरे इंक फैल जाएगी, आपका फॉर्म खराब हो जाएगा। तो कोशिश क्या करिए, बॉल पेन से ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भरिएगा, और ब्लू बॉल पेन से भरेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज कोई भी बॉल पेन चलेगी, ब्लू या ब्लैक में से कोई एक बॉल पेन। ठीक है, उसके बाद क्या किया, आपने सिम्टम्स को मार्क कर दिया जो भी आपके हैं। फिर ये बी पॉइंट कहता है बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ कंफर्म्ड केस ऑफ कोविड-19। अच्छा, अब देखिए 13 सितंबर से पहले पहले तक क्या आप किसी कोविड-19 पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए, जैसे कि आपका कोई फैमिली मेंबर था जो कि कोरोना वायरस से सफर कर रहा था, या फिर आपके नेबर या फिर आपका कोई फ्रेंड जो आप जिसके आप कॉन्टैक्ट में आए होंगे, अगर ऐसा कुछ था कि पिछले 13-14 दिन में आप किसी कोविड-19 पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए थे, तो फिर आप मार्क कर सकते हैं कि हाँ मैं उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आया था। क्लोज कॉन्टैक्ट यानी कि कम से कम आप 1 मीटर के डिस्टेंस में उनके साथ अगर थे तो यू हैव टू मार्क इट। ओके, आपको टिक मार्क करना है।
तीसरी चीज आती है नॉट बीइंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पर्सन सफरिंग फ्रॉम COVID-19. अगर आप किसी COVID-19 पर्सन के कॉन्टैक्ट में नहीं आए पिछले 13-14 दिन में तो आप यहाँ पर मार्क कर दीजिएगा. अच्छा, जो इसका डी पॉइंट है ये कहता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आपको बतानी है पिछले 14 दिन में 13 सितंबर से पहले तक, यानी कि सितंबर 1 से लेकर हम कह सकते हैं सितंबर 13 तक. क्या आप इस बीच अपने एग्जाम सेंटर की जो सिटी है उसके अलावा किसी और सिटी में ट्रैवल करके आए थे, तो उस सिटी का नाम लिख दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे एग्जाम सेंटर की सिटी दिल्ली है लेकिन मैं 5 सितंबर को देहरादून होकर आई थी, तो मैं लिखूंगी कि मैं नेम ऑफ सिटी या कंट्री में फर्स्ट सिटी में डालूंगी देहरादून, और मैं वापस से अपनी दिल्ली एग्जाम सेंटर में कब आ गई थी, 10 सितंबर को आ गई थी. तो उसी तरीके से पिछले 14 दिन में अगर अपने एग्जाम सेंटर वाली सिटी के अलावा आप किसी भी और सिटी में होकर आए थे तो उन सिटीज का नाम मेंशन कर दीजिएगा. ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री कहता है द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ अ कम्युनिटी इज आर फर्स्ट प्रायोरिटी. हाँ, इसमें यही दिया हुआ है कि हमको अपनी हेल्थ को पहली प्रायोरिटी देनी है, और अगर हमें लग रहा है कि हमारे अंदर कुछ सिम्टम्स हैं COVID-19 वाले, या फिर अगर हमें लग रहा है कि हमारी इम्यूनिटी वीक है, या फिर इन 14 दिनों में हम किसी ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आए थे जो कि COVID-19 के सिम्टम शो कर रहे थे, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं खुद ही प्रिकॉशंस लेने होंगे, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ की वजह से पूरी कम्युनिटी की हेल्थ पर फर्क पड़ने वाला है. ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में लास्ट में आपको यह दिया हुआ है कि आपको अपनी फोटो यहां पर पेस्ट करनी है. कौन सी फोटो? जो कि आपकी एडमिट कार्ड में लगी हुई है वो वाली फोटो आपको यहां पर पेस्ट करनी है. उसके बाद आपके लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगेगा. मेक श्योर कि आपका लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन है वो एकदम क्लियर हो. खूब सारे थंब इंप्रेशन मत लगा दीजिएगा कि ये अच्छे से नहीं आया दोबारा लगाता हूं, एक बार रफ में लगा दीजिएगा, फिर उसके बाद दोबारा से क्लियर थंब इंप्रेशन, लेफ्ट इंप्रेशन आपको लगाना है. ठीक है, उसके बाद योर पेरेंट्स सिग्नेचर, और लास्ट में जो आपका यहां पर वाला सिग्नेचर है ना, कैंडिडेट सिग्नेचर, ये आप अभी साइन नहीं करेंगे. जो आपके राइट मोस्ट कॉर्नर पे कैंडिडेट सिग्नेचर लिखा हुआ है ये आपको आपके एग्जाम सेंटर पे ही साइन करना है. तो अभी आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ अपनी फोटो पेस्ट करनी है, अपने लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना है, अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करने हैं, और आप अपना फाइनल साइन एग्जाम डे के दिन करेंगे. तो ये तो बेसिक डिटेल्स थी आपके एडमिट कार्ड की. अब आते हैं हम पेज नंबर 2 पे. पेज नंबर 2 पे भी काफी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी. सबसे पहली चीज, आपको टाइम पर अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है. ये कोई बोलने की बात नहीं है, आप लोग इतने मैच्योर हैं कि आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम आपका 2 बजे से शुरू हो रहा है, तो मिनिमम 1 घंटे वरना 1.5 घंटे पहले तो एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइए, क्योंकि काफी सारी चेकिंग भी होगी. अगर आप सिख हैं और हाथ में बैंड पहनते हैं, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हिजाब पहनते हैं, बुरका पहनते हैं, या फिर कोई भी और रिलीजियस अटायर है जो कि आप पहनते हैं, तो आप प्लीज जल्दी जा लीजिएगा एग्जाम सेंटर पे, क्योंकि प्रॉपर चेकिंग होगी आप लोगों की, है ना. और बाकी जीन्स पहनना प्लीज अवॉइड करेगा. ऐसे कोई भी कपड़े जिनमें ज्यादा पॉकेट्स हों, डार्क कलर के कपड़े, जिनकी वजह से आप डाउट में आ जाए, इन्विजिलेटर की नजरों में आ जाए कि इसके पास चीटिंग का कुछ सामान हो सकता है, ये सारी चीजें अवॉइड करिएगा. मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि लाइट कलर के कपड़े पहनिए, हाफ स्लीव्स कपड़े पहनिए, लड़की हो या लड़का हो हाफ स्लीव्स के टॉप टी शर्ट ये सब पहनिए, नॉर्मल पैंट्स पहनिए, या फिर आप ट्राउजर्स पहन सकते हैं जिनमें कम से कम पॉकेट्स हों, है ना. मतलब कहने का मतलब बस ये है कि लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने हैं, पॉकेट्स अवॉइड करने हैं. काफी सारे बच्चों की मेडिसिन भी चल रही होती है, अगर वो किसी ऐसी डिजीज से सफर कर रहे हैं कि उन्हें फ्रीक्वेंटली मेडिसिन लेनी पड़ती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप अस्थमा अगर आपको है और आपको पंप की जरूरत पड़ती है, या फिर कोई भी ऐसी चीज, अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, कुछ भी चीज जो कि आपको आपको लगता है कि 2 से 5 बजे के बीच आपके मेडिसिन का टाइम होता है, तो आप पहले ही एग्जाम सेंटर पर बता दें कि मैं अपने साथ अपनी मेडिसिन भी लेकर जा रहा हूं, क्योंकि इस टाइम पर मुझे मेडिसिन खानी होती है. ठीक है, इन चीजों का आपको खुद ध्यान रखना होगा. आपके एग्जाम होने के बाद जब 3 घंटे पूरे हो जाएंगे तभी आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकल सकते हैं. ऐसा नहीं कि आपका 1.5 घंटे में पेपर हो गया तो आप बाहर आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. 3 घंटे बाद ही सारे स्टूडेंट्स को बाहर जाने का मौका मिलेगा. आपको एग्जाम डे के दिन क्या क्या चीजें कैरी करनी है, मैं क्लियरली सुन लीजिएगा. पहली चीज, योर एडमिट कार्ड. एडमिट कार्ड में आपका क्या होगा, आपका अंडरटेकिंग का ये फॉर्म होगा जो कि आपने फिल किया हुआ होगा. ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज, योर पर्सनलाइज्ड वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट बॉटल. प्लीज ऐसी बॉटल्स अवॉइड करिएगा जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं इन्विजिलेटर को लगेगा कि ये कहीं बॉटल्स के अंदर तो चिप्स नहीं भर के आया है चीटिंग करने के लिए, तो ट्रांसपेरेंट बॉटल ही लेकर जाइएगा. उसके बाद तीसरी चीज आती है एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म. आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें जो आपकी फोटो लगी हुई है ना, सेम वही फोटो आप लेकर जाएंगे, पासपोर्ट साइज फोटो. मेरा ही मानना है कि कम से कम 3 फोटो तो जरूर लेके जाइएगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जानी है जो कि आपकी
एप्लीकेशन फॉर्म में लगी हुई है, क्योंकि वहां पर आपकी अटेंडेंस होगी और आपको अटेंडेंस शीट में अपनी फोटो को पेस्ट करना होगा. तो सेम फोटोग्राफ एज प्रिंटेड ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म, उसी फोटोग्राफ को आपको लेकर जाना है. फिर आता है आपका पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, 50 ml की छोटी सी हैंड सैनिटाइजर की बॉटल आप लेकर जाएंगे. मास्क और ग्लव्स लेकर जाना है. और मास्क में भी एक चीज याद रखिएगा, जो मास्क आप घर से पहनकर जा रहे हैं, आपको एग्जाम सेंटर पहुंचकर जब आप अपनी क्लासरूम में बैठ जाएंगे उस मास्क को उतारना होगा और आपको दूसरा मास्क मिलेगा, फिर जाकर आप एग्जाम के लिए अपेयर करेंगे. तो आप घर से अपना मास्क पहनकर जाइए, वहां पर आपको एक और मास्क दिया जाएगा, फिर वो नया मास्क पहनकर आपको अपना एग्जाम लिखना होगा. ठीक है. अब ग्लव्स की बात करें तो ग्लव्स में बच्चे पूछ रहे थे कि मैम क्या हम वो कॉटन वाले ग्लव्स पहन सकते हैं? आपको सिर्फ डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनने हैं. आपने देखा है, आपने कभी स्कूल में लैब वर्क किया होगा, जो हमें ग्लव्स मिलते हैं डिस्पोजेबल ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स जो होते हैं, हमें वही पहनने हैं. ठीक है. तो मास्क और ग्लव्स आपको लेकर जाना है. अगर आप किसी डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं तो यू नीड टू कैरी योर PWD सर्टिफिकेट. अगर आपकी कुछ डिसेबिलिटी ऐसी है कि आपको किसी स्क्राइब की हेल्प चाहिए, किसी ऐसी पर्सन की हेल्प चाहिए जो कि आपके बिहाफ में आपका एग्जाम लिखेंगे, तो आप उन स्क्राइब को भी लेकर आइए और उस पर्सन के भी अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करवाइएगा. ठीक है. उनका भी प्रॉपर चेकअप होगा कि इनको कोई सिम्टम्स तो नहीं है COVID-19 के. इन शॉर्ट, अभी तक हमें यह पता चला है कि आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर एंड योर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, प्लस योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मिनिमम 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि आप अटेंडेंस शीट में भी यूज करेंगे. ठीक है. इसके बाद आता है आपका फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ. वैलिड ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए. ID प्रूफ आपका ओरिजिनल आपको लेकर जाना है. प्लीज ये मत वहां पर करिएगा कि मैं फोटो कॉपी लेकर आया हूँ ID प्रूफ की, या फिर मेरे पास फोन में स्कैंड ID प्रूफ है. वो सब बिल्कुल भी रिजेक्ट करा जाएगा. आपके पास ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ होना चाहिए. फोटो ID प्रूफ जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, या फिर आपका क्लास 12th का एडमिट कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, वो सारी चीजें जहां पर आपकी फोटोग्राफ हो, फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, ताकि प्रूफ करा जाए कि हाँ ये ID प्रूफ जिस इंसान का है उसी का ये एडमिट कार्ड है, यही वो इंसान है जो कि एग्जाम देने आया है. तो आपके पास आपका ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ होना चाहिए.